तो दोस्तों कुछ भी नहीं है बोलने के लिए। फाइनली मैं कौन सी गाड़ी पे आया बोले तो ये मेरी कावासाकी बॉक्सर पे। अब मैं हूँ टोल गेट के पास। ओके और क्या है, मैं वापस निकल चुका हूँ वारंगल को। वारंगल ऊपर है कहते तो अब टाइम देखो 9:47, 9 बजे निकला, 47 मिनट मतलब 50 मिनट में टोल गेट को आया। आराम से जा रहा हूँ, रात का टाइम है ना, जैकेट भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और बस इतना ही दुआ करो कि मैं सही सलामत घर पहुँचूँ। एक तो बात ये है कि फिर तो बात ये है कि मेरे को असल घर को जाने का मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि मौसम वैसा है, मगर अब क्या करते हैं, जिंदगी हर एक मजा चकाती है, तो लड़ना भी जरूरी है, आजमाना भी जरूरी है। फिर का बात हूँ कि हैदराबाद को इंशाल्लाह अगर वक्त मिला तो इंशाल्लाह आने की कोशिश करूँगा। फिलहाल यहाँ से मेरे ख्याल से टोल गेट बोले तो 105-110 के करीब, मतलब वही हैदराबाद से 40 किलोमीटर आ गया भाई। 100 चिल्लर है यहाँ से वारंगल। इंशाल्लाह 2 घंटे 2.5 घंटे लगते रहने वालों, 3 घंटे लगते रहने वालों, आराम से पहुँचेंगे इंशाल्लाह। दुआ करो आप लोग भी, और जो जो भी सब्सक्राइब नहीं कर लिए सब्सक्राइब कर लो। और आगे तो ब्लॉग आने के तो मेरे को चांसेस दिख रहे नहीं, क्योंकि मेरा माहौल वैसा बदल जा रहा कि मैं अगर हो सका तो ब्लॉग निकालता हूँ, या नहीं तो बस यहाँ तक ही एंड कर देता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे अगर तो, अल्लाह हाफिज़।